ड्रग्स इन्फो प्रेजेंट्स करते हैं पैरासिटामोल के यूसेज और साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में बुखार कभी न कभी तो आया ही है, और उसी बुखार को ठीक करने के लिए हम नॉर्मली दवाई में पैरासिटामोल लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे उसी पैरासिटामोल की। दोस्तों, आपको बता दे, पैरासिटामोल एक ओटीसी दवाई है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। इसका मतलब है आप पैरासिटामोल को बिना किसी डॉक्टर की सलाह या बिना प्रिस्क्रिप्शन के सीधा मेडिकल स्टोर से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। पैरासिटामोल दवाइयों में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की क्लास में आता है और बॉडी में एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि पैरासिटामोल बुखार में एंटीपायरेटिक इफेक्ट की मदद से बुखार को कम करता है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और साथ ही में एनाल्जेसिक एक्टिविटी के कारण पैरासिटामोल बॉडी के दर्द में भी काम आता है। ये आपकी बॉडी के दर्द को भी कम करता है। लेकिन ये काम करता कैसे है? दरअसल हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो पायरोजन नाम के सब्सटेंसेस बनने लगते हैं। ये पायरोजन्स हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम की जगह पर अपना असर दिखाते हैं और साथ ही में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जैसे कंपाउंड्स को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें बुखार हो जाता है। और कुछ एंजाइम्स जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 और 3 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को बढ़ाते, जिससे हमारी बॉडी में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो जब हम पैरासिटामोल खाते हैं तो वो इन पायरोजन्स पे अपना काम करता है और साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को रोकता है, जिससे हमारा टेम्परेचर ठीक होता है और बुखार खत्म हो जाता है और बॉडी का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसीलिए पैरासिटामोल खास तौर से बुखार, कमर के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द, सर दर्द और यहाँ तक कि माइल्ड माइग्रेन में भी इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। साथ ही में छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी ये सेफ दवाई है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज लेना भी हानिकारक है। पैरासिटामोल की ज्यादा डोज लेने से या फिर लंबे समय तक इसका यूज करने से ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये दवाई लीवर से मेटाबोलाइज होती है। साथ ही में ये किडनी को भी डैमेज करता है, क्योंकि ये किडनी सेल्स को मारता है। इसीलिए पैरासिटामोल की ज्यादा डोज लेने से पहले या लंबे समय तक यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले। हालांकि आपको बता दे, एक हेल्थी शरीर के लिए पैरासिटामोल की मैक्सिमम डेली डोज 4 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रग्स इन्फो को दवाइयों से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए।